subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब का एक बार फिर एनिमल्स क्लासेस बाका में स्वागत है। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वॉल्यूम 3 लेकर के आए हैं। और अभी तक आपने प्रॉपर्टीज पढ़े, फाउंडेशन ऑफ रेशियो पढ़े, उस पर कुछ आधारित सवाल भी पढ़े, और आज फिर पुनः हम सवाल लेके आए हैं। तो चलिए आप बारीकी से इसको देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप सवाल कितना अच्छा से बना लेते हैं। तो चलिए, जिस भाई बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे लास्ट में देखने के बाद तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर व्हाट। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो आपसे क्या मांगा जा रहा है। ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए मांगा जा रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो अनुपात दिया है 3 का दिया है, तो अनुपात जो होता है क्रमशः पे रहता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 3, सी का अनुपात क्या होगा 4 होगा। तो आप यहाँ पे मान रख देंगे, चलिए मान रख लेते हैं। तो 2 और बी की जगह क्या है 3, 2:3 अनुपात बी की जगह क्या है 3, 3:3 क्या सी की जगह क्या है 4, फिर देखिए सी की जगह क्या है 4 और ए की जगह क्या है 2 रख दिए। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये बटे में आ गया। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं बटे में नहीं है, आपके पास तरीका बहुत सारे हैं। तो दो तरीके से बताएंगे, पहले इसको एलसीएम के तरीके से हम बताते हैं। देखिएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है, 4 और 3 का 12 होता है। तो जो एलसीएम नीचे होता है डिनोमिनेटर का यानी हर का, उसका एलसीएम निकाले 12, इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी, सब में 12 से गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा, 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 2 12। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है 4 2 8 अनुपात 3 3 9, फिर यहाँ पे अनुपात 6 6 24। अब देखिए आपका क्या हो गया 8 9 24 हो गया। अब देख पा रहे हैं ऑप्शन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे 8 9 24 हो गया, आंसर हो गया आपका। आप इनको समझ गए होंगे, लेकिन विधि हमने बताया ना बहुत तरह से है, तो बहुत सारे विधि से चलेंगे। देखिए सेकेंड लॉ से इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने ए बटे बी रखेंगे, ए का मान कितना है 2, अब बी का मान कितना है 3, फिर देखिए अनुपात दीजिए, बी का मान कितना है बंधु 3 और सी का मान कितना है 4, फिर अनुपात दीजिए, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है भाई 2। एकदम आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, बरसात नहीं हो रहा, भागना नहीं, एकदम आराम से वीडियो देखिए आप सब। देखिएगा, इनको हमने क्या कहते हैं, ढकने का तरीका, झांपने का तरीका। देखिए झांपेंगे कैसे, इनको झांप दीजिए, ये दिख रहा है नहीं, दिख कौन रहा है, ये दोनों 4 2 8 8 2 16, यहाँ पे 16 लिख दीजिए, क्लियर हो गया। देखिए इनको ढकिए, तो दिख कौन रहा है, ये दोनों 3 और 2, 3 2 6 6 3 18, ढकने के बाद ऊपर में गुना करना 18, यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ देखिए आप 18 लिख दिए हैं, फिर इनको ढकिए। देखिएगा इनको ढके तो क्या दिख रहा है 3 और 4 4 3 12 12 6 48, क्लियर हो गया। अब आपके पास सारे का सारे आ गया। आप ऑप्शन भी देखिए, ये आप जानते हैं अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो इसको जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे, तो कटा लेते हैं। चलिए कैसे, देखिए 2 से कटाएंगे 8 2 से कटाएंगे 9 और 2 से कटाएंगे क्या होगा 24, तो आ गया क्या 8 9 24। आप देखिए एक प्रकार इधर से बनता है, ये जो पिछले टाइप आप बनाए थे उस टाइप में बनता है। तो बंधु आप सब समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं कब अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न किस प्रकार है देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। ए अनुपात बी बराबर 1:2:3:8, बी अनुपात सी बराबर 1:3:5:9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5:6:3:4। आपसे क्या मांगा जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मांगा जा रहा है। कितना आसान सवाल है और इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिएगा पहले इसको जनरल कर लीजिए, जो दिख रहे हैं बटे में इसको पहले जनरल करना, सबको पार्ट बाय पार्ट हम जनरल करेंगे, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है, तो यहीं पे लिख करके बताते हैं कि आपको परेशानी नहीं हो। ए बटे बी बराबर 1:2:3:8 है, देखिए इसको नीचे नीचे अनुपात में कटता तो 4 2 8 क्रॉस गुना करिए, 4 1 4 इधर 1 बचा 1 3 7, तो ये क्या हो गया 4:3 हो गया। उसी प्रकार बी और सी को लिखेंगे, देखिएगा
एक बटे तीन अनुपात पांच बटे नौ बराबर, अब देखिए तीन तीन नौ इधर आएंगे, तीन एका तीन, तीन अनुपात क्या हो जाएंगे पांच हो जाएंगे। उसी प्रकार आपका क्या है सी अनुपात डी, यहाँ पे जो दिया हुआ है पांच बटे छ अनुपात तीन बटे चार, अब देखिए इसको क्रॉस कटा लेंगे, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, देखिए पाँच दूनी दस, तीन तिया नौ, तो क्या जाएगा दस अनुपात नौ। यानी जो जनरल आप कर चुके हैं ए बी इतना है, बी सी इतना है और सी डी इतना है आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए ए बी सी डी, तो आप फाउंडेशन ऑफ रेशियो पढ़े थे वहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी होता है, फिर बी अनुपात सी होता है, फिर सी अनुपात डी होता है, ऐसे आप कर रहे थे तो ऐसे भी निकालेंगे और डायरेक्टली भी हम निकालेंगे। तो चलिए ऐसे पहले देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे ए बी कितना है, चार अनुपात तीन है, हमारा बी सी क्या है तीन अनुपात पाँच है, और हमारा सी डी क्या है देखिए दस अनुपात नौ है, यहाँ पे दस अनुपात नौ दे दिए, क्लियर है। अब देखिए बंधु यहाँ पे कितने आसानी से करेंगे आप इसको गुणा करेंगे, ये देखिए यहाँ जैसे करते हैं ए बी सी फिर बी बी सी फिर बी सी सी फिर बी सी डी, देखिए एक बार लिख देते हैं जो बंधु अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो लिखेंगे ए बी सी इसको किए, फिर बी बी सी फिर बी बी सी किए, फिर बी सी सी फिर बी सी सी किए, फिर देखिए बी सी डी किए, ऐसे हो जाएंगे आपका इस प्रकार हो गया। तो उसी प्रकार देखिए जो गुणा करना है कर देते हैं, चार गुना तीन गुना दस करेंगे, तो देखिए चार तिया बारह दिन दिशा से एक सौ बीस होगा, अब देखिए तीन तिया नौ गुना क्या करेंगे दस, दस नवा नब्बे लिख दीजिए आप, ये तो गुना करके भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा पाँच या पंद्रह दहीन डेढ़ सौ, तो हो जाएंगे एक सौ पचास, अब फिर देखिए पाँच या पंद्रह नवा पैंतीस से एक सौ पैंतीस, अब इतना तक देख लीजिए। अब इसको कटा सकते हैं, पंद्रह से सब कट जाएगा, देखिएगा पंद्रह की दिशा से पंद्रह छठी नब्बे, पंद्रह दहीन डेढ़ सौ, पंद्रह नवा पैंतीस से आठ छः दस नौ हो गया, तो कहीं आपका होगा ऑप्शन आठ छः दस नौ, देखिए आठ छः दस नौ यहाँ पे अनुपात में आंसर है दो नंबर हो गया। लेकिन इसको आप जनरली बनाते किस प्रकार है डायरेक्टली वो भी देखिए, जब इनमें फंस जाइए तो आसान विधि है हमारे पास, आपको चिंता नहीं करना। जैसे कि हमने बात एक चीज किए थे, ध्यान दीजिएगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ से तो ए बी सी निकाल सकते थे, फिर आगे सी डी देखते थे, तो वही प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा चार अनुपात तीन, फिर क्या तीन अनुपात पांच है, देखिए यहाँ पे करिए चार तिया बारह, तीन तिया नौ और पांच तिया पंद्रह, कटेगा कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो मत कटाइए, कट रहा है तो देखिएगा चार तिया बारह, तीन तिया नौ और पाँच तिया पंद्रह, अब ए बी सी आ गया, अब इसी के आगे सी डी लगाते थे, जब आ जाता था ए बी सी, अब देखिएगा तो आगे क्या लगाते थे सी डी, तो यहाँ पे सी डी क्या दस नौ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे दस नौ, देखिए एकदम आसानी से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए दस चौक चालीस क्लियर है, देखिए दस तिया तीस, अब देखिए यहाँ तक हुआ दस पचे पचास, अब देखिए नौ पचे पैंतालीस, यहाँ तक हो गया पाँच से सब कट रहा है, तो देखिए आठ पंचे चालीस, छः पंचे तीस, दस पचे पचास, नौ पचे पैंतालीस, तो क्या हो गया आपका आठ छः दस नौ, आठ छः दस नौ, तो कहीं से भी बनाएंगे आपका सवाल बनेगा और आपको ये अच्छा लगा होगा, बना भी लेंगे। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है, ए अनुपात बी बराबर दो बटे नौ अनुपात एक बटे तीन, बी अनुपात सी बराबर दो बटे सात अनुपात पाँच बटे चौदह, तथा डी अनुपात सी बराबर सात बटे दस अनुपात तीन बटे पाँच, तो ए बी सी डी अनुपात चाहिए। अब हम यहाँ नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ इसमें देखिएगा सवाल में क्या चीज़ है, हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे तो कह रहे थे क्रमशः होता है ए बी बी सी सी डी, लेकिन यहाँ पे क्या है डी सी, तो ध्यान रखना है कि उसको चेंज करना है अन्यथा आपका आंसर गलत निकल जाएंगे, ये भी बात बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बंधु देख लेते हैं, यहाँ पे तीन तीया नौ, देखिएगा ए अनुपात बी का जो मान आएगा यहाँ पे दो, इधर तीन एक का तीन, दो अनुपात क्या हो गया तीन, अगर हम बी सी की बात करते हैं तो देखिए सात दूना चौदह, दो दूनी चार अनुपात क्या हो जाएंगे पाँच, अब देखिए डी सी का बात करते हैं तो पाँच दूनी दस, देखिए सात और तीन दूनी छः, सात अनुपात कितना हो गया छः, लेकिन हम बोले थे कि ए बी बी सी सी डी होना चाहिए या डी सी दिया, तो इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी है, तो सी डी लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा छः अनुपात सात हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए ए बी सी डी चाहिए, तो आप किसी भी कंडीशन से बनाइए, दो विधि में से किसी भी विधि से बनाएंगे आपका सवाल बनेगा। तो हम आसान लेते हैं, पहले ए बी सी निकालेंगे, दो अनुपात तीन, चार अनुपात पाँच, यहाँ बी सी तक में ए बी सी आ जाएंगे, अब देखिए चार दूनी आठ, चार तिया बारह, पाँच तिया पंद्रह होगा, देखिए चार दूनी आठ, चार तिया बारह, पाँच तिया पंद्रह,
सर को फाउंडेशन ऑफ रेशियो हम बता चुके हैं। अब देखिए कटेगा नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब सी डी क्या है, छः अनुपात सात है, तो छः और सात ले लीजिए इनके सहारे। अब देखिएगा क्या होगा, आठ छः अड़तालीस, यहाँ से इसको गुना करते हैं, अड़तालीस लिख दीजिए। अब देखिए बारह छः बहत्तर, यहाँ लिख दीजिए, पंद्रह छः की नब्बे और पंद्रह सती पचहत्तर से एक सौ पाँच लिख दीजिए। क्लियर है मित्र बंधु। अब इसको कटेगा कटा दीजिए, सोलह तीय अड़तालीस, चौबीस तीया बहत्तर, तीस तीया नब्बे, पैंतीस तीया एक सौ पाँच, तो क्या हो गया सोलह चौबीस तीस पैंतीस। तो कहीं देखिए ऑप्शन है आपका तीसरा नंबर है सोलह चौबीस तीस पैंतीस, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस प्रकार के सवाल को। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए अनुपात बी बराबर एक अनुपात दो, बी अनुपात सी बराबर तीन अनुपात चार और सी अनुपात डी बराबर पाँच अनुपात छः है। तो डी सी बी ए जो हम लोग ए बी सी डी निकाला करते थे या उल्टा की दिया है डी सी बी ए, तो पहले ए बी सी डी निकाल लेंगे और उसको पलटा देंगे। तो बात करते हैं ए बी सी निकालने का, तो ए बी बी सी लीजिए, एक अनुपात दो फिर तीन अनुपात चार, तीन एक तीन, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, कटता तो कटाते नहीं कटा, हमको है सी डी, तो सी डी कितना पाँच और छः, देख लीजिए आप आसानी से आ जाएंगे। अगर हम इसमें देखते हैं पाँच तीया पंद्रह, छः पंचे तीस, अब यहाँ हो गया आठ पंचे चालीस और आठ छः अड़तालीस, ये क्या है ए बी सी डी आया, ए आया बी आया सी आया और डी आया, लेकिन आपको चाहिए डी सी बी ए, तो डी सी बी ए कैसे निकालेंगे उल्टा देंगे, तो डी कितना अड़तालीस, सी कितना चालीस, बी कितना तीस, ए कितना पंद्रह, आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो चौथा आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार है। ए बटे बी बराबर दो बटे तीन और बी बटे सी बराबर चार बटे पाँच, तो इतना किसके बराबर होगा, यानी ए प्लस बी बटे बी प्लस सी किसके बराबर होगा। जो अनुपात पढ़ा करते तो बटे में दिया और बटे एक प्रकार का अनुपात का रूप होता है, तो देखिए ए का मान दो बी का मान कितना तीन, तो ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन। अब देखिए यहाँ बी अनुपात सी, यानी बी का मान कितना चार और सी का मान कितना पाँच। अब देखिए यहाँ बी तीन है यहाँ बी चार है, तो आप ए बी सी निकाल सकते हैं अलग अलग से या तो जनरली जो विधि बताएं, तो देखिए दोनों विधि से हम फिर एक बार पुनः यहाँ रिपीट कर देंगे, तो देखिए कैसे दो अनुपात तीन और चार अनुपात पाँच, तो क्या हो गया चार दुनी आठ, चार तिया बारह, पाँच तिया पंद्रह, इस प्रकार हो गया। या तो अब इसको क्या करते इसका गुना इसमें करते इसका गुना इसमें, चार दुनी आठ होता है, चार तिया बारह, चार तिया बारह और तीन पचे पंद्रह। देखिएगा बी का मान कितना बारह बारह, तो एक बारह लेते, अब ए का मान आठ और सी का मान कितना पंद्रह, तो ए बी सी यहाँ भी निकल जाता आठ बारह पंद्रह, क्योंकि ये समान हो गया, तो समान में बी बारह हो गया। अब यहाँ से देखिए हमको कह क्या रहा है ए प्लस बी बटे बी प्लस सी, ए प्लस बी बटे बी प्लस सी कह रहा है, तो ए प्लस बी ए का मान आठ बी का मान बारह, बी प्लस सी तो बारह यहाँ पे बी का मान, सी का मान कितना है पंद्रह। अब देखिए बारह कितना बीस और पंद्रह बारह कितना सत्ताईस, तो बीस बटे कितना हो गया सत्ताईस हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका पहला हो गया। आप समझ गए होंगे आसानी से, किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर चार अनुपात सात अनुपात ग्यारह, बी सी डी का है इक्कीस तैतीस चौवालीस हो, तो ए बी सी डी निकाले। अभी आप पढ़ रहे थे ए बी बी सी सी डी, अलग अलग कंडीशन से पढ़ रहे थे, दो दो का और तीन या चार जो भी कह रहा था निकाल रहे थे, लेकिन ये तीन कंडीशन में दिया हुआ ए बी सी और ए बी बी सी डी, कैसे देखेंगे देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका है चार सात ग्यारह और आगे कंडीशन में है बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर इक्कीस तैतीस अनुपात चौवालीस। देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं, यहाँ भी बी सी यहाँ भी बी सी, यहाँ बी सी जब एक ही सवाल है और यहाँ भी बी सी जितना होता है उतना यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन अलग अलग उसको समान करेंगे। देखिएगा यहाँ बी सी जो देख रहे हैं कितना है सात ग्यारह और यहाँ बी सी क्या है इक्कीस और तैतीस है। अगर बी सी बी सी बराबर हो जाए तो ए अपना मान ले लेगा डी अपना मान ले लेगा, तो कैसे देखिएगा यहाँ इक्कीस तैतीस चौवालीस कैसे है, यहाँ जो बी सी है और यहाँ जो बी सी है क्या है यहाँ पे सात ग्यारह है। अगर देखिए यहाँ तीन से गुना करेंगे बी में
तो 7 * 3 = 30, तो बी का ये क्या 31 होगा। अब देखिएगा अगर यहाँ पे 3 से गुना करेगा 11 * 33, तो यह किसका निर्माण करेगा, सी का। ये निर्माण किसका कर रहा है, बी का। तो यहाँ पे क्या होगा 33, देखिए सी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हो जाएगा। तो इसमें गुना कितना से कर देंगे 3 से, तो देखिए 3 से गुना कर देंगे, 4 * 3 = 12, 7 * 3 = 21, 11 * 3 = 33, और यहाँ पे देखिए बी सी डी क्या 21 * 33 = 44। अब देखिएगा आसानी से हो गया ए बी सी डी, कैसे ए का मान देखिए कितना 12, क्योंकि इसका आपका गुना हो चुका है, जब बी सी में गुना हो गया तो ए में भी गुना होगा, सबके साथ होगा, तो ए का मान क्या हो गया 12, बी का मान कितना हो गया बंधु 21, और सी का मान कितना हो गया 33, क्योंकि यहाँ भी 21 है बी का मान, यहाँ भी सी का मान 33, डी का मान क्या बचा 44। यानी जो टर्म बराबर नहीं है उस टर्म को बराबर कर दीजिए, बाकी आपका क्या होगा टर्म बराबर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फिर एक बार पुनः हम दोहरा देते इस बात को। देखिए ए और डी हमारा ज्यों का त्यों रह सकता है, रहेगा भी, क्यों, क्योंकि यहाँ बी सी अलग अलग है, यहाँ बी सी अलग अलग है, तो बी सी सेम करेंगे, जैसे कि हम सवाल पिछले में बी भी सेम करते थे, तो यहाँ पे क्या किए, देखिए 21 लाना था 33 लाना, तो 3 से गुना कर देंगे 33 और 21, और इसमें भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा जब सब में गुना कर रहे, तो इसलिए 4 * 3 = 12 हो गया ए का मन, 7 * 3 = 21 हो गया बी का मन, फिर 11 * 33 सी का मन, तो 21 और 33, बी सी यहाँ भी था, डी का मन क्या हो गया 44 हो गया। क्लियर हो गया मित्र बंधु, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए बटे 2 = b/3 = c/4, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या है। ये बहुत ही आसान तरीका है, देखिएगा दो तरीके से हम बताएंगे, आप इसको समझिएगा, बहुत फास्ट बनाएंगे। यानी जब परस्पर सब एक दूसरे के बराबर हो, बटे में हो, तो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान क्या होगा 4 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना सी, ए का मान 2 प्लस बी का मान 3 प्लस सी का मान 4 बटे कितना हो जाएंगे, सी का मान 4 है, 3 * 2 = 5 = 4, 9 बटे क्या हो गया 4 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना 4 हो गया। क्लियर हो गया, एक नियम से तो आप यहाँ बढ़ा लिए, आपको दूसरा नियम भी जानना है, आखिर ये कैसे हो जाता है। देखिएगा बहुत आसानी से समझेंगे, जब आप किसी को बताइएगा तो पूरी तरह से क्लियर बताइएगा, आप इनको समझ लीजिए। अब देखिएगा a/2 = b/3 = c/4, सब परस्पर बराबर है, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट टर्म के हम बराबर कर देंगे, तो कॉन्स्टेंट टर्म मान लीजिए k होगा। अब देखिए a बराबर क्या लिखेंगे 2k, b बराबर क्या लिखेंगे 3k, देखिए यहाँ पे a बराबर 2k, b निकालेंगे तो इधर क्रॉस होगा 3k, c बराबर क्या होगा 4k। अब देखिए आपके पास मान क्या रहा था हमारे मित्र भाई बंधु, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना सी। अब देखिएगा यहाँ पे सारे टर्म, ए का मान 2k रखिए, बी का मान 3k रखिए, अब प्लस सी का मान क्या रखिए 4k रखिए, अब बटे देखिएगा सी आपका क्या है यहाँ पे 4k है, आराम से रख दीजिए, 3 * 2 = 5 = 9k बटे कितना 4k, के कैंसिल क्या हो जाएंगे 9/4 हो जाएंगे। क्लियर हो गया आसानी से। अब देखिए एक नियम और आप जान सकते थे, क्योंकि सबका अनुपात लेते के कट जाता है, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4 आता कि नहीं आता, आपका आसानी से आता, आप इनको समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारे मित्र बंधु भाई जितने भी हैं सब सवाल को बारीकी से देख रहे हैं, और ये सवाल को भी हम देखते हैं क्या लिखा है सवाल में। a/b = b/c हो तो a4/b4 = what, इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में इस प्रकार सवाल भी आते हैं, तो देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अनुपात के परस्पर यह दोनों अनुपात के साथ बराबर दिया है, तो a का मान हमारा b और b का मान अभी यहाँ क्या है c है, तो इस प्रकार जब प्रश्न आता है तो किसी एक को रख कर किसी एक को आगे बढ़ाते हैं, दोनों को बढ़ाते चलेंगे तो कभी आप आंसर नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, a/b = b/c है, तो लिख सकते हैं a/b = b/c, क्योंकि अनुपात को बटे लिखते हैं। अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो क्या जाएगा b² = ac हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम ac का बात करेंगे तो b² हो जाएगा, जो निकाल चुके हैं, एक कंडीशन हमने यहाँ पे रख दी है जो आया। अब जो प्रश्न कह रहा है उस पर हम ध्यान देते, क्या कह रहा है a4/b4 का है,
अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखना कि ये कंडीशन और ये हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं हमारा बी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी है, सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए सी अनुपात बी स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं इसी टर्म में मेरा आंसर होगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर का मान चुका है, यहाँ बी फोर है, तो बी फोर की जगह हम स्क्वायर रखने का किसी तरह प्रयास अभी कर रहे हैं लेकिन रख देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है ए फोर बी फोर को बंधु क्या बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। ए फोर अनुपात बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ए सी, ए सी थी इस पर होल स्क्वायर ए स्क्वायर लगा दीजिए। अब ए फोर हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर और क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर और फोर है तो यहाँ पे कटेगा तो दो बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा क्योंकि अनुपात बटे में होता तो कटता, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर कितने नंबर ऑप्शन में है, तीन नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए होंगे। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा, ये आपका सवाल है। तो देखिएगा इसको कैसे आप बनाएंगे ये जानिएगा, विधि हमारे पास बहुत है, आपको दोनों विधि से बनाएंगे कम से कम। देखिएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर परस्पर बराबर हो और बटे में यहाँ पे नहीं है, सिंपल है तो यहाँ झाँक के डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है क्यों ऐसे निकालते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले हम एक आपको अच्छा विधि जो बेसिक होता है उससे कंप्लीट करते हैं। तो बराबर के मान लीजिए कॉन्स्टेंट, तो ए बराबर देखिए ये बटे में हो जाएगा के बटे टू हो जाएगा, बी बराबर निकालिएगा तो के बटे क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, के बटे हम थ्री लिख दिए, सी बराबर लिखिए तो के बटे फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान देखेंगे तो क्या जाएगा के बटे टू अनुपात के बटे थ्री अनुपात के बटे फोर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए अनुपात सब में है तो के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक बटे चार। अब यहाँ से आपको याद आ रहा है या तो एलसीएम से या तो झांपने के तरीके से, तो ढक दीजिए। देखिए ढकेंगे चार तीन बारह का यहाँ पे बारह हो जाएगा, देखिए इसको ढकिए चार दुनी आठ एक का आठ हो जाएगा, फिर इसको ढकिए तीन दुनी छः एक का छः हो जाएगा। और अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, इसलिए इसको आप कटाएंगे तो कटाएंगे क्या होगा छ चार तीन, तो छः चार तीन कहीं है बंधु छः चार तीन हो गया। आप एक विधि से तो समझ गए, अब दूसरी विधि से समझिए डायरेक्ट कैसे इसको बनाएंगे। जब सब परस्पर बराबर हो और बटे में ना हो तो डायरेक्ट आप करिएगा कैसे, देखिएगा इनको ढकेंगे तो इन दोनों बचेगा चार तिया बारह, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा ए बी डायरेक्ट आ जाएगा, ए बी सी इनको ढक रहे हैं, देखिए चार तिया बारह इनको ढकेंगे चार दूनी आठ, इनको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा तीन दूनी छः, सेकेंड लॉ बना रहे हो यहाँ पे सेकेंड लॉ भी लिख देते हैं आपका। अब देखिए ये हो जाएगा छः ये हो जाएगा चार, कटाएंगे तो ये हो जाएगा तीन, तो क्या आ जाएंगे छः चार तीन, क्योंकि अनुपात अगर संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप हो तो उसको कटाना पड़ता है, तो क्या आ जाएगा छः चार तीन। दोनों विधि से आप समझ गए होंगे, कहीं किसी प्रकार से परेशानी नहीं हुआ होगा। हमारे मित्र भाई बंधु बहन जितने भी हैं वो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल आपको रिसीवर प्रपोर्शन का बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने को रहता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x y z का मान निकालिए। तो बहुत ही सुंदर तरीका है, कैसे दिखेगा एक हम यहाँ पे पढ़ा बता रहे हैं। 1/x बराबर अगर मान लीजिए 2 होता क्यों लिखते आप, x बराबर दिखेगा इसको ध्यान दीजिएगा 2x लिखते और 2x बराबर क्रॉस गुणा करते तो क्या होता 1 होता, x बराबर 1/2 लिखते कि नहीं लिखते, इस बात को देखिएगा समझ करके। ऐसा होता तो हम लिखते यदि कंडीशन में लेते, लेकिन यहाँ अनुपात में है तो उनको भी देखिएगा ऐसा बंधु लिखते तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, अगर यहाँ 2 आएगा तो वहाँ x जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/2 दिखेगा यहाँ क्या हो जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये 3 आएगा तो 1/2 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1/5, तो ये x यहाँ आ जाएंगे x अनुपात y अनुपात z ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। आप इनको यहाँ तक समझ के हम लिख दिए, अब देखिएगा ये लिखेंगे x y z ध्यान देना है, अब लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 क्लियर है, अब ढक देंगे या झांप देंगे हो गया आंसर, देखिए इसको ढकिए तो 5 × 3 = 15 हो गया, अब इनको ढकिए 5 × 2 = 10 हो गया, अब देखिए इनको ढकिए 3 × 6 = 6। आप ऐसा नहीं कि हमारे ही विधि से बनाई, आप इनको बिना ढके भी एलसीएम से बना सकते हैं।
अब आपके पास क्या है, 15 10 6 कटने का कहीं है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 10 6, तो कितना नंबर, 4 नंबर। क्लियर हो गया। जब इनको आप अगर एग्जाम में बनाएंगे तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे, देखिए कहीं कोई कंडीशन नहीं अपनाना था, डायरेक्ट समझिएगा। देखिए जैसे 1/x = 2 था तो हम लिख देते डायरेक्ट, यहाँ देखिएगा 1/2, क्योंकि इसको यहाँ ला देते, फिर देखिए यहाँ ला देते क्या आ जाता 1/3, फिर यहाँ ला देंगे जेड की जगह 1/5, तो उधर क्या होता 1/3। यहाँ पे देखिए जो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हो जाता एक्स और यहाँ पे हो जाता वाई और यहाँ पे हो जाता जेड, ऐसा होता बंधु। अब देखिए इसको ढक देते तो डायरेक्ट होता 5 3 15 1 15, फिर देखिएगा इसको ढकते 5 9 10 1 10 हो जाता, फिर इनको ढकते 3 2 6 1 6 हो जाता, बराबर कितना एक्स वाई जेड। देखिए ऐसे भी आप सोच सकते हैं, तो 15 10 6 15 10 6 ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु भाई बहन जो भी है अगले सवाल की ओर देखते हैं किस प्रकार सवाल है। देखिए बंधु अगला सवाल किस प्रकार है, a/b = 2:3, b/c = 4:5 हो तो a+b/b+c क्या होगा। तो आप देखिएगा a/b है 2:3 है, b/c है 4:5 है, आप किसी भी प्रकार से बनाइए तो abc का मान निकालना होगा, तो निकालेंगे 2:3 अब 4:5, ऐसे भी निकालिए 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15, यानी ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15। तो आपसे मांग क्या रहा है, a+b = b+c। देखिएगा a+b 8 + 12 कितना हो जाएंगे, 12 8 20, अनुपात b+c 12 15 कितना हो जाएंगे, 27। तो आपका क्या हो गया, 20:27 हो गया। क्लियर हो गया, किसी प्रकार से कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है मित्र हमारे बंधु भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो, आप इनको अच्छी तरह से समझ गए हो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करेंगे। फिर हम अगले वीडियो के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अच्छे से रहिए सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे हम अगले दिन, तब तक पुनः एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।